नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो। यहां पे सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का चैप्टर जो आपके सामने 15.1 मैंने पूरी करवाई थी। 15.1 के बाद अब जो 15.2 और 15.3 के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल, उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 15.3 के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार आपको पूछ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आज बताएंगे आपको। यहां पे जो वीडियो में बनाऊंगा वह जो आने लायक क्वेश्चन इस बार हैं वही बनाऊंगा, और इंपॉर्टेंट है वो नहीं जो आने वाले हैं एग्जाम के अंदर आएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट, जो सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल के कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहां पर किस तरह से पुट करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। Find the circumference of the in circle of square with side 14 cm, यानी हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखें, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंत वृत्त की परिधि क्या होगी। यानी एक स्क्वायर है, उसके अंदर वृत्त है, और स्क्वायर की जो भुजाएं होती है, जो साइड होती है, वो आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां पे निकालना है परिधि यानी सर्कमफेरेंस। यहां पे अपने को फाइंड करना है या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा, तो देखते हैं यहां पे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता था कि यहां पे सबसे दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर। क्या दे रखा है? साइड ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आपको जो दे रखी है कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, और हिंदी वाले लिखेंगे उसको सेमी। ठीक है, अब वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी सर्कल जो है, सर्कल उसके अंदर है, यानी सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मींस क्या होगा, यहां पे अपन लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी आर को आर से डिनोट करेंगे, और अपने पास जो भुजा दे रखी है वो 14 दे रखी है, और रेडियस निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, आर आपके पास आ गया। तो यहां पे बात करते हैं उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि परिधि निकालनी है, यानी सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, यानी फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए थे 2πr, यानी इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है, यानी 2πr, यानी 2π की वैल्यू 22/7, और r अपने पास आया था 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2×22 यानी 44 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की परिधि है वो 44 सेंटीमीटर होगी। तो बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, उसको पहले पढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन पढ़ना आ गया आपको सही से, यानी फॉर्मूला भी आपको साथ में आता होगा, तो आपको 100% वह क्वेश्चन आप आराम से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 74 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। यानी देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या कहना चाहता है कि यहां पे डिफरेंस है, इसने कहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, द सर्कमफेरेंस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 74 सेंटीमीटर है। तो देखना सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व हिंदी वाले लिखेंगे हल, देखना किस तरह से होगा। सबसे पहले मानेंगे लेट सर्कल ऑफ रेडियस क्या है, आर है, सर्कल ऑफ रेडियस आर है, देन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr। यानी जब सर्कल माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, तब परिधि क्या होगी, 2πr होगी। तो हिंदी वाले लिखेंगे माना कि
माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर है, तब परिधि 2 पाई आर होगी। क्या होगी? 2 पाई आर होगी। अब ध्यान रखना ये चीज आपको समझ आएगी। तो यहां पे क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो यहां पे लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस है, सरकमफेरेंस और रेडियस। तो सरकमफेरेंस यहां लिखूंगा मैं सरकमफेरेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। यानी सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, और रेडियस अपन ने क्या माना आर बराबर 74 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में आर कॉमन है यानी 2 पाई बच जाएगा और यहां से 1 इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 74 अपॉन 2 पाई माइनस 1, ये आपके सामने क्या आ गया आर आ गया। अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल यानी द एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी हिंदी में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो यहां पे आर अपने पास आ गया है, तो यहां पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टी 70, और इसने कहा है कि पाई आर स्क्वायर 22/7, और अपने पास कितना है यहां पे आर इज इक्वल टू 74 अपॉन, यहां लिखेंगे 74 अपॉन 2 पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। तो देखना किस तरह से होगा आगे, तो मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, देखना यहां पे आगे ये वाली कंडीशन यहां पे मैं कर रहा हूं। अब यहां पे कितना होगा देखो 22/7 मल्टी 74 का स्क्वायर मैं खोलूंगा यानी 74 मल्टी 74, और नीचे मैं पाई की वैल्यू खोल दूंगा यानी 2 मल्टी 22/7 माइनस 1, ये वाली कंडीशन बची, और यहां पे क्या रहेगा स्क्वायर। मैंने स्क्वायर इसका नहीं खोला, ऊपर वाले का ही खोला है, ध्यान रखना। यहां पे 22/7 मल्टी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 22 से हो जाएगा यानी 44 हो जाएगा, यानी 74 मल्टी 74, और यहां पे हो जाएगा 44/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखना 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 बन जा 7, और 44 में से माइनस 7 करेंगे यानी कितना आएगा 37/7। तो यहां पे कंडीशन बनेगी आपकी 22/7 मल्टी 74 मल्टी 74, और नीचे बनेगा आपके 37/7, और स्क्वायर में है यानी फिर से 37/7। अब इसको किस तरह से लिखेंगे आगे वो ध्यान रखना, यहां पे किस तरह से लिखा जाएगा वो ध्यान रखना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 22/7 का वही लेन देंगे, अब ये वाले जो नीचे के 7 है ऊपर चले जाएंगे यानी 74 मल्टी 74 मल्टी 7 मल्टी 7, और नीचे क्या आ जाएगा यहां पे 37 मल्टी 37। अब 37 के टेबल में 74 का बताए 2 टाइम, यानी 2 यहां लिख रहा हूं, 37 से फिर 74 कट जाएगा 2 टाइम, यानी ऊपर की कंडीशन कितनी बची 22 मल्टी 2 मल्टी 7 मल्टी 7, और नीचे आपके सामने बचा 7, और 7 से 7 कट गया यहां पे, ठीक है 7 से 7 कट गया, यानी कंडीशन कितनी बचेगी 22 मल्टी 2 कितना हो गया 4 और 7, यानी 7 4 28, यानी 22 मल्टी 28 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हिंदी में लिखेंगे 616 वर्ग सेमी। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट थे,
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याति, क्लासेस।